न्यूनेटल जॉइंटिस, आइए जानते हैं न्यूनेटल जॉइंटिस क्या होता है। जो मेनली जो कॉमन कॉजेज है, मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना एंड बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना, ये कॉमन प्रॉब्लम है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो मदर का ब्लड ग्रुप ओ एंड बेबी का ब्लड ए आई बी होना, इसकी वजह से भी कभी कभी पीलिया जो जॉइंटिस होता है वो ज़्यादा होता जाता है। और आप ये सभी जानते हैं कि जो आरबीसी होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 हो जाता है, और जो न्यूबॉर्न बेबी में कभी कभी ऐसा होता है वो अपनी लाइफ स्पैन के पहले ही डिस्टर्ब होने लगती हैं, जैसे 80 डेज 90 डेज में। तो इसकी वजह से भी बिलिरुबिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो बनने लगता है, ओके, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न को जॉइंटिस हो जाता है। और भी प्रॉब्लम रहती है जैसे प्रीमेचर एंड बेरी लॉस वेट, हाइपरथर्मोडिज्म एंड बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, सेप्सिस, यदि कॉमन कॉजेज हैं जो इसकी वजह से जॉइंटिस होता है न्यूबॉर्न को। जॉइंटिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल, ओके। फिजियोलॉजिकल में जो होता है वो हमें 5 से 6 दिन के अंदर बेबी में पता चलता है कि जॉइंटिस होने लगा है बेबी को। इसमें जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो 15 तक माना जाता है, और 24 to 48 आवर्स ये इसको हम थेरेपी फोटोथेरेपी देते हैं, और इसी बीच बच्चे की जो जॉइंटिस है वो ठीक हो जाता है। जो फोटोथेरेपी लगाते वक्त हमें जो बेबी और फोटोथेरेपी की जो डिस्टेंस है वो समथिंग 45 सेंटीमीटर या 18 इंच इसकी जो डिस्टेंस है वो रखनी है हमको, और जो बेबी का आइस एंड जेनिटेलिया एरिया है उसको कवर करके रखना है। प्रॉपर बेबी को फ्लूड हमको देना है और फीडिंग भी करानी है ताकि बेबी को डिहाइड्रेशन या हाइपरपरेक्शन ना हो। बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 0.6 से 1 to 6 तक होता है, अगर इससे ऊपर जैसे 5 से ऊपर जा रहा है तो हम मानते हैं कि बेबी को हाँ जॉइंटिस हो रहा है, पर ये फिजिकल में आ जाता है तो इससे नॉर्मली ये ठीक हो जाता है। 20% बेबी में तो जॉइंटिस हो ही जाता है। फोटोथेरेपी में फ्लोरेस्ट लाइट का यूज़ करते हैं जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। और जो फोटोथेरेपी हम जो न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं वो NICU में अवेलेबल रहती हैं, मेनली 2 से 3 दिन में जो जॉइंटिस है वो ठीक हो जाता है, ओके।